हेलो फ्रेंड्स, मैं मनिका आपकी गार्डनर दोस्त। आज आपसे कुछ ऐसे प्लांट्स के बारे में बात करूंगी, मतलब कुछ ऐसे प्लांट्स के नाम मैं आपको बताऊंगी जो कि इंडोर्स भी रख सकते हैं और शेड लविंग प्लांट्स हैं, और इंडोर प्लांट्स भी कहते हैं उनको। एक्चुअली क्या होता है कि ये शेड टॉलरेंट प्लांट्स होते हैं जो कि शेड को टॉलरेट कर सकते हैं। देखिए, जो भी प्लांट्स हम इंडोर रखेंगे वो शेड को टॉलरेट कर सकता है, तभी वो इंडोर रह सकता है। एक्चुअली वर्ल्ड में कोई भी ऐसा प्लांट नहीं है जो शेड बिना लाइट के मतलब रह सकता है। ओनली शेड को बहुत पसंद करता हूँ। लाइट हर प्लांट को जरूरी होती है फोटोसिंथेसिस करने के लिए, लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो देखिए जंगलों में ट्रीज की जो कैनोपी बन जाती है उसके नीचे उगते हैं, जिनको फिल्टर्ड लाइट मिलती है, तो वो ऐसे प्लांट्स होते हैं जो शेड में रह सकते हैं, इंडोर्स में रह सकते हैं। और उन प्लांट्स में कुछ एडॉप्टेशन भी होते हैं, जैसे उनकी पत्तियां चौड़ी पत्तियां होंगी तो ताकि जो कम लाइट उनको मिल रही है उसका मैक्सिमम यूज करें, एरिया बढ़ जाता है लीफ का। दूसरा, उनकी जो रूट्स होती हैं वो ऐसी होती हैं कि सॉइल में से मैक्सिमम न्यूट्रिशन को लेती हैं। मतलब बाकी प्लांट्स में तो क्या होता है, लीफ भी फूड बना रही है और कुछ रूट्स ले रही है, उनकी रूट्स में ज्यादा पावर होती है कि वो ज्यादा न्यूट्रिशन सॉइल से लेती है ताकि उसको कंपेंसेट कर सके लाइट की कमी को। तो ऐसे प्लांट्स कौन कौन से हैं, चलिए आज हम उन प्लांट्स को देखते हैं और आप भी देखिए और इंडोर लगाइए। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। ये देखिए सिंगोनियम एरोहेड प्लांट, ये दो लगे हुए हैं मेरे, एक ऐसा पिंक भी आता है, ये शेड टॉलरेंट शेड लविंग प्लांट है। मेरे यहाँ नीचे मैंने जितने भी प्लांट्स रखे हुए हैं ये सारे शेड लविंग हैं, क्योंकि यहाँ मेरे धूप नहीं आती है, कम आती है बहुत। तो ये जो है शेड लविंग भी है और इंडोर भी कह सकते हैं आप इनको, क्योंकि जो प्लांट शेड में रह सकता है वो इंडोर्स में रह सकता है, अंदर वो रह सकता है। इनको आप अंदर रख सकते हैं हफ्ते 10 दिन में एक बार, थोड़ी सी बिल्कुल धूप में नहीं रखना है, हल्की सी बाहर की रोशनी दिला दे और ऐसी जगह रखें जहां थोड़ी रोशनी आती हो। ये देखिए ये मनी प्लांट है, ये अभी देखिए इसमें और मैं अभी लपेटूंगी इसको, देखिए अभी पत्ते छोटे हैं, लपेटूंगी तो बड़े हो जाएंगे इसके पत्ते। और ये क्रोटन, ये क्रोटन है, क्रोटन्स जिस कितने भी तरह के हों, अभी मैं ऊपर भी आपको दिखाऊंगी, क्रोटन्स कोई भी हो उनको शेड पसंद है और इंडोर भी आप रख सकते हैं, लेकिन आपको इंडोर में इनको मिस्ट करते रहना पड़ेगा जितने भी मैं प्लांट बता रही हूँ, ताकि इनको मॉइस्चर की कमी फील नहीं हो। रोज आप थोड़ा सा जो स्प्रे बॉटल में स्प्रे करके कर दें। ये देखिए फाइलोडेंड्रॉन, ये बाइपिनेट फाइलोडेंड्रॉन है, कोई भी फाइलोडेंड्रॉन्स होते हैं जो रेन फॉरेस्ट में नीचे मिलते हैं, कई वैरायटीज होती हैं इसकी। ये देखिए ये बाइपिनेट है। ड्रेसिना, ये भी ड्रेसिना की वैरायटी है, इसको विक्टोरिया कहते हैं। ड्रेसिना सिंपल ग्रीन भी आता है, सॉन्ग ऑफ इंडिया भी ड्रेसिना है, वो भी रह सकता है इंडोर्स में, ये भी ड्रेसिना की वैरायटी है। एक ड्रेसिना महात्मा आता है, वो बिल्कुल रेड होता है, वो भी मैं अभी आपको ऊपर दिखाऊंगी। ये देखिए ये अरेका पाम, अरेका पाम भी अच्छा चलता है शेड में और इंडोर्स में भी अच्छा चलता है। इंडोर्स में जब भी आप प्लांट्स लगाएं, थोड़ी सी रोशनी वाली जो अंधेरे में लग सकेंगे वो मैं बताऊंगी आपको। ये एग्लोनिमा की वैरायटी है, एग्लोनिमा मेरे ऊपर भी पड़े हैं, मैं आपको और दिखाऊंगी। एग्लोनिमा इंडोर्स में चल जाते हैं, अच्छे प्लांट्स हैं। ये देखिए ये बिगोनिया है, ये भी इंडोर्स में चल जाते हैं। बस आप इनको जो है वो जैसे मैंने कहा कि मॉइस्चर के लिए मिस्टिंग करते रहे रोज स्प्रे बॉटल से, ये देखिए, और पानी कम चाहिए होता है बिगोनिया को। ये देखिए ये रहे बिगोनिया, ये देखिए बिगोनिया, बिगोनिया को पानी थोड़ा कम चाहिए और शेड चाहिए, मॉइस्चर चाहिए। तो ये देखिए, ये देखिए जीजी प्लांट, इसको तो पानी भी देखिए मैं अंदर रखा हुआ है, हमारे आजकल धूल वूल बहुत उड़ती है राजस्थान में, तो पत्तियां थोड़ी गंदी हो रही हैं, तो इनको भी जो इंडोर वाले प्लांट्स होते हैं इनको आप थोड़ा मिस्टिंग करते रहें ताकि उनको
मॉइस्चर की कमी फील नहीं हो। देखिए सिंगोनियम भी मैंने लगाया हुआ है ये अंदर, ये देखिए पीस लिली। पीस लिली को तो आप अंधेरी जगह में जहां कम डिम लाइट आती है वहां भी रख सकते हैं। ये मैंने पीस लिली अपने टॉप टेरेस पे रखे हुए थे, तो देखिए ये बर्न होने लग गए हैं। अगर आपके भी ऐसे, देखिए आज मैं इनको लाई हूं बस इंडोर यहाँ नीचे ग्राउंड फ्लोर पे, और ये देखिए इसमें फूल आ रहे हैं अब, और ये देखिए फूल भी जल गया ये वाला आधा ऊपर से, देखिए गर्मी की वजह से। इनको अब मैं अंदर लाई हूं तो पीस लिली बहुत कम लाइट में भी चल जाता है। देखिए ये एग्लोनिमा दूसरी वेराइटी है, जो मैंने नीचे एक एग्लोनिमा दिखाया था, एक ये एग्लोनिमा। एग्लोनिमा को चाइनीज एवरग्रीन भी कहते हैं। एक लिपस्टिक एग्लोनिमा भी दिखाती हूँ मैं आपको, ये लिपस्टिक एग्लोनिमा है, ये भी इंडोर अच्छा चलता है। ये स्पाइडर प्लांट है, ये भी इंडोर ऐसी जगह जहां लाइट आती हो थोड़ी अच्छी, वहां ये भी बहुत अच्छा चलता है। और ये ग्रीन वाला स्पाइडर है, और ये देखिए ये वेरीगेटेड स्पाइडर है, और इसमें से ये देखिए कितने सारे बेबी प्लांट्स निकल रहे हैं, कितने सारे मैंने इधर रख दिए सारे। ये देखिए ये बड़ा अच्छा चलता है छाया में। ये फर्न बहुत अच्छा चलता है, फर्न देखिए अभी तक अच्छा ग्रो कर रहा है। अब ज्यादा बारिश, अब हमारे यहाँ 42-43 टेम्परेचर जाने लग गया है, बहुत गर्मी होती है। देखिए अब गर्मी में कैसे, वो मैंने इसको कैसे गर्मी में प्रोटेक्ट करना है इस पे वीडियो है, आप जरूर देखिएगा। एक खास तरीके से इसको मैंने प्रोटेक्ट किया हुआ है। ये देखिए ये कोलियस, ये मेरे टेरेस पे पड़ा हुआ है, नीचे वाले टेरेस पे ये कटिंग्स लगाई हुई है मैंने। इसमें बड़ा पौधा लगा हुआ था, वो हटा के मैंने कटिंग्स, जैसे मैं आपको कहती हूँ कि पुराने पौधे की कटिंग बना लिए और पौधा, ये देखिए ये भी मैंने कटिंग्स लगाई हुई है कोलियस की। देखिए कोलियस अच्छा चलता है इंडोर्स में, इंडोर्स में मतलब जहां लाइट आती हो अच्छी वहां पर। ये देखिए ये महात्मा ड्रेसिना है, ये रेड कलर का। देखिए अब गर्मी में थोड़ा थोड़ा, ये भी मैं भी सोच रही हूँ इसको अंदर रख दूं, गर्मी में इसकी पत्तियां बर्न होने लग गई हैं। ये देखिए ये शेफलेरा, शेफलेरा वेरीगेटेड भी आता है, ये प्लेन वाला है, ये इंडोर में अच्छा चलता है। इसको आप थोड़ा धूप धूप में रखेंगे तो ये फिर प्लांट मर जाता है। ये देखिए ये क्रोटन, अब यहाँ देखिए धूप आने लगी है तो देखिए इसकी पत्तियां गर्मी खाने लग गई हैं। देखिए क्योंकि यहाँ बिल्कुल सारा दिन धूप रहती है, हालांकि नेट के नीचे है ये। ये देखिए ड्रेसिना, इसका कुछ नाम होता है, ये साइड में ये पिंक आते हैं ना, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, ये भी ड्रेसिना है। ये सारे इंडोर्स अच्छे चलेंगे। ये डेफन बेकिया है, डेफन बेकिया भी इंडोर्स अच्छा चलता है, या शेड में, अगर आपके यहाँ शेड है धूप नहीं आ रही वहां भी लगाएं, और इंडोर्स जो ये मैं प्लांट्स बता रही हूँ ये इंडोर भी चलेंगे, और जहां आपके यहाँ शेडी एरिया है धूप नहीं आती बस इनडायरेक्ट लाइट आती है बस वहां भी ये चलते हैं। और ये देखिए अरेलिया इसके पास पड़ा है, अरेलिया की बहुत वैरायटीज आती हैं, उसमें से एक वैरायटी मेरे पास है इस टाइम ये, और ये अरेलिया की और बहुत सी वैरायटीज आती हैं। आप नर्सरी में अरेलिया मांगेंगे आपको बहुत तरह के अरेलिया दिखाएंगे, वो तो कोई भी अरेलिया हो वो चलता है। ग्रीन पत्ती भी आती है, वेरीगेटेड ऐसी चौड़ी पत्ती वाला भी आता है, बहुत तरह के आते हैं अरेलिया। ये देखिए एलोकेशिया, जिसको एलिफेंट ईयर प्लांट भी कहते हैं, एलोकेशिया भी छाया में चलता है। इसको आप लगाएं तो देख के लगाएं, छोटे गमले में जमीन में लगा दो तो ये आउट ऑफ कंट्रोल बढ़ने लग जाता है, गमले में कंट्रोल्ड रहता है, ये कंटेनर गार्डनिंग के लिए बहुत अच्छा है ये इंडोर्स में अच्छा चलेगा या छाया में, दोनों में से कुछ कह दें। ये सेंसिवेरिया जिसे नागफनी कहते हैं, ये इंडोर्स में बहुत अच्छा आता है, ये बेडरूम में आप रखें कहीं भी रखें, ये ऑक्सीजन बहुत रिलीज करता है। वैसे ये जितने भी प्लांट्स मैं बता रही हूँ ये ज्यादातर इनमें से हैं ऐसे जो ऑक्सीजन बहुत रिलीज करते हैं, ये प्लांट बहुत अच्छा है इंडोर्स में रखने के लिए। और ये कई तरह के आते हैं, इनके एक छोटा वाला ड्वार्फ वाले भी आते हैं। ये देखिए पेपरोमिया, ये इंडोर्स बहुत अच्छा चलता है, या तो शेडी प्लेस हो आपकी या इंडोर हो उसमें अच्छा चलेगा। पेपरोमिया भी कई तरह के आते हैं, सिंपल ग्रीन आते हैं, वेरीगेटेड आते हैं, ये वेरीगेटेड वाला है, एक सिंपल ग्रीन पत्तियों वाला भी आता है।
ये देखिए कोलियस मैंने कटिंग से उगाया था, पुराने प्लांट्स में से ले लेके अब मैं कटिंग लगा रही हूँ कि कितना बड़ा हो गया है। ये चंपा के गमले में नीचे लगाया हुआ है मैंने, और चंपा में भी फूल आने शुरू हो गए हैं अभी। वैसे मेरे ये नेट के नीचे है पर आ रहे हैं इसमें फूल। तो ये देखिए, ये देखिए, ये कैलेडियम है, बल्ब्स कैलेडियम के मैंने लगाने पे वीडियो भी बनाया हुआ है। तो ये देखिए मेरे बल्ब से उगाए हैं मैंने अभी, ये लास्ट मंथ ही लगाए थे बल्ब्स। तो ये कैलेडियम भी छाया में अच्छा चल जाता है, लेकिन ऐसी जगह रखे इसको, इंडोर भी रखे तो जहाँ लाइट अच्छी आती हो, क्योंकि जहाँ कम लाइट होगी, मीडियम सी लाइट हो ना इनडायरेक्ट अच्छी, तो इसके कलर्स अच्छे आते हैं। बहुत ज्यादा धूप में रखेंगे तो कलर्स फेड होते हैं इसके, वैसे थोड़ी सी धूप भी कर लेता है बर्दाश्त, लेकिन छाया में इसके कलर्स बहुत अच्छे आते हैं और बहुत अच्छी तरह थ्राइव कर लेता है ये। तो इसको आप शेड में या इनडोर्स में रख सकते हैं जहाँ थोड़ी इनडायरेक्ट लाइट आती हो, विंडो वगैरह के पास, बहुत अच्छा लगता है ये। इसमें और भी बहुत सारे कलर्स आते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको कुछ प्लांट्स बताने की कोशिश की जो इंडोर्स बहुत अच्छे चलते हैं, या आपका अगर नॉर्थ फेसिंग घर है, कई लोगों के क्वेश्चन आते हैं कि हमारे यहाँ धूप नहीं आती, उनके अच्छे चलेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और फ्रेंड्स, मेरा एक इंग्लिश चैनल भी है, फन गार्डनिंग इंग्लिश, उसे भी देखिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।